हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं बिहार पुलिस 2017 इंग्लिश इडियम एंड फ्रेज 10 इंपॉर्टेंट। मैंने आज इडियम एंड फ्रेजेस लिया है जो आपके बिहार पुलिस एग्जामिनेशन 2017 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि कल एक फ्रेंड ने बताया कि कुछ समझ में नहीं आया, तो आज मैंने पिक्चर विद इडियम एंड फ्रेज आपको समझाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड, आप थोड़ा सा इसमें केयर करो तो आपको समझ में आएगा कि इस कैसे मैंने पिक्चर से कनेक्ट किया है। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करना। मेरा फर्स्ट जो एडियम एंड फ्रेज है वो है इन टाइट कॉर्नर, और आप बगल में जो स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक बस जो है कॉर्नर पे टर्न ले रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, इसे यही पता चलता है कि ये इसे टर्न करने में बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो जैसा मीनिंग हम इसका इस तरह से निकाल सकते हैं, और डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और मेरा नेक्स्ट जो इडियम एंड फ्रेज है, अ वाइल्ड गुसी चेस। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं एक गुसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और गुसी को पकड़ के ये क्या भी कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, इससे ये मतलब चलता है कि इनका इसको गुसी को पकड़ना फ्रूटलाइस है, और इसका मीनिंग जो होगा फुटाइल सर्च होगा। फ्रेंड्स, और मेरा जो नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज है, आप देख सकते हैं डू नॉट होल्ड वाटर, और बगल में आप पिक जो देख रहे हैं उसमें एक छन्नी, और छन्नी में जो एक आदमी जो है पानी भरने की कोशिश कर रहा है, पानी रोकने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका मीनिंग जो होगा नॉट लॉजिकल नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि छन्नी में पानी रुक नहीं सकता है, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। नेक्स्ट जो मेरा एडियम एंड फ्रेज है ऑन द कफ, इसका जो इसके बगल में आप पिक देख रहे हैं एक व्यक्ति जो है इस तरह से खड़ा है अपना शर्ट पकड़े हुए, तो ये जो है अपने क्रेडिट पे यहाँ पर खड़ा है। तो इसका हम पिक्चर से कनेक्ट करके इसका जो मीनिंग है ऑन द क्रेडिट, इसको हम बता सकते हैं फ्रेंड्स। और जो मेरा नेक्स्ट जो एडियम एंड फ्रेजेस है ये रहा आपके सामने जो आउट एंड आउट, जो आप चेस बोर्ड देख रहे हैं पिक्चर में, मैं अब इससे कनेक्ट करता हूँ। आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है, तो आप देख रहे हैं कि एक राजा जो है वो पूरा जो पिद्दे हैं लोग इसे ख़त्म कर चुका है, यानी टोटली जो गेम है ओवर हो चुका है। तो इससे इसका मीनिंग जो बनता है टोटली जो मीनिंग है पूरा इसका जो खत्म हो चुका है। फ्रेंड, जो मेरा नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज है, आप जैसे कि देख सकते हैं अ वाइट एलिफेंट, और जो आपको पिक में वाइट एलिफेंट दिख रहा है उसके ऊपर एक रिबन बना हुआ, यानी कि लगभग ये लग रहा है कि कोई किसी को गिफ्ट दिया। तो ये गिफ्ट हाथी गिफ्ट में आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका खर्चा कहाँ से उठाओगे, बहुत खाता है। तो ये जो है आपके लिए क्या होगा, बहुत ही कॉस्टली हो सकता है फ्रेंड। तो ये कॉस्टली बहुत होगा आपके लिए। तो जो मेरा नेक्स्ट जो इडियम एंड फ्रेज है आप देख सकते हैं फेयर एंड स्क्वायर, मीनिंग इसका जो होगा ऑनेस्ट होगा फ्रेंड्स। और जैसे कि दो व्यक्ति पिक्चर से कनेक्ट कर देखते हैं, दो व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, जो एग्रीमेंट किए होंगे वो दोनों एक दूसरे से सामने रख के किए होंगे, यानी कि जो काम किए होंगे दोनों एक दूसरे के बीच एक ऑनेस्टी की जैसा ही किए होंगे। तो फ्रेंड्स, तो इसका मीनिंग होगा ऑनेस्ट। नेक्स्ट जो मेरा इडियम एंड फ्रेज है नो लव लॉस्ट बिटवीन, तो जैसा आप देख सकते हैं पिक्चर में दो लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, तो झगड़ा कर रहे हैं यानी कि दोनों के बीच में कोई जो है कोई नो लव है इन दोनों के बीच में। तो फ्रेंड्स, ये दोनों अपने टर्म्स एंड कंडीशन के लिए लड़ रहे हैं, तो इनके बीच में जो नॉट ऑन गुड टर्म्स हैं और ये दोनों झगड़े कर रहे हैं। नेक्स्ट जो मेरा इडियम एंड फ्रेज है प्ले हवॉक, इसका मीनिंग जो होगा काउस डिस्ट्रक्शन। जैसा कि पिक में देख रहे हैं एक लड़का पढ़ रहा है और एक बगल में ही उसका गेम खेल रहा है, तो जो लड़का पढ़ रहा है आप बुक भी देख सकते हैं तो वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसका मीनिंग इस तरह से हम निकाल सकते हैं काउज ऑफ डिस्ट्रक्शन। जैसा फ्रेंड आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ये जो इडियम एंड फ्रेज इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा जो, और उसके बाद अगर आपको लगे कि इसका जो ज़रूरी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। जो मेरा नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज है और लास्ट आज का लास्ट इडियम फ्रेज है वो है ग्रैंड थंब। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक जो बुजुर्ग व्यक्ति है जो अपने गार्डन में बैठा हुआ और कुछ काम कर रहा है, तो ग्रीन थंब यानी कि हरा अंगूठा, यानी हरा से आप इस पिक्चर से रिलेट कर सकते हैं, और मीनिंग इसका बना सकते हैं टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्टिंग इन गार्डनर। जो व्यक्ति अपना इंटरेस्ट दिखाता है, नेचुरल इंटरेस्ट उसका गार्डनिंग में, उसके लिए ग्रीन थंब का हम यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज का तो मेरा इडियम एंड फ्रेज समाप्त हुआ। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है मैंने लिया है प्रीसेस का, तो फ्रेंड्स अब उस पर आप आते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला कि आप चलिए प्रिसाइज देखते हैं, तो अब प्रिसाइज पे आते हैं। और प्रिसाइज जो कल मैंने होमवर्क में दिया था वो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करता हूँ। और चलिए टू द पॉइंट, प्रिसाइज पे क्या है और क्या नहीं है देखते हैं। तो आज का जो मेरा प्रिसाइज है सेकेंड नंबर है, वी हैव सीन वाटर ग्रेट पार्ट द मॉनसून प्लेज इन प्रोवाइडिंग आवर लैंड विद वाटर विदाउट विच लिटिल वुड ग्रो ऑन इट। तो इसका मतलब हुआ जैसा कि मैंने हम लोग देखे थे, द ग्रेट पार्ट ऑफ मानसून प्लेज इन प्रोवाइडिंग आवर लैंड विद वाटर विदाउट, हमारे जो बहुत सारे जो
हमारे लैंड का जो बहुत बड़ा पार्ट है वो जो मानसून उसको क्या देता है, उस भूमि को पानी देता है, विच लिटिल वुड ग्रो ऑन इट, उसको थोड़ा बढ़ने के लिए, ठीक है। दैट पार्ट इज प्लेड इन टू वेज, इस पार्ट को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। फर्स्ट बाय द रैन विच फॉल्स थ्रू आउट द कंट्री, पहला जो हम इस जो भूमि को पानी देता है उसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला जो है रैन हो गया, जो हमारे आउटर साइड हमारे देश से बाहर कंट्री से जो रैन आते हैं और बारिश होते हैं वो, और सेकेंडली बाय एडिंग द फ्लो ऑफ द रिवर्स दैट कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स एंड फ्लो थ्रू द प्लेन्स, और सेकेंडली जो है रिवर्स जो कि माउंटेन से आते हैं और फ्लो करते हैं प्लेन्स पे, समतल भूमि पे जहाँ वो मूव करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट जो मूव करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो पहला फंक्शन जो मानसून का फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप जान सकते हैं कि मानसून हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डू नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिवर कैन नॉट एंड डू नॉट वाटर ऑल द लैंड इन आवर कंट्री, क्योंकि रिवर जो है वो हमारे देश के सभी जगहों पे पानी नहीं पहुंचा सकता, क्यों, मानसून जो है बारिश सभी जगह हो सकती है, लगभग पूरे देश के हर एक कोने में लगभग बारिश हो जाती है, और जो नदी से सभी जगह पानी नहीं पहुंच सकते क्योंकि देयर आर नॉट इनफ रिवर फॉर दैट, इसके लिए हमारे देश में इनफ रिवर नहीं है, एंड देयर आर लार्ज एरिया विच हैव नो रिवर्स एट ऑल, और इस कारण जो है बहुत सारे जगह पे बहुत सारे बहुत बड़े एरिया में रिवर्स नहीं है। सो द रैन फ्रॉम द क्लाउड्स इज मेनी प्लेसेज द ओनली वाटर द ड्राई लैंड गेट्स ऑफ कोर्स, इसलिए जो द रैन फ्रॉम द क्लाउड्स जो बादलों से बारिश होती हैं इन मेनी प्लेसेस बहुत जगह पे लगभग हो जाते हैं। द ओनली वाटर द ड्राई गेट लैंड ड्राई लैंड्स गेट्स ऑफ कोर्स एज वी सॉ अर्लियर, जैसा कि हमने पहले देखा, देयर आर पार्ट्स ऑफ इंडियन सच एज अपर सिंध वेयर देयर इज हार्डली एनी रैन, जैसा कि हमने पहले देखा था कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट अभी भी वैसे हैं जहाँ अभी भी कोई नहीं है, यानी कोई नहीं यानी कि बारिश कोई नहीं है, तो ठीक है। अब इस जो प्रीसेस का मैंने पढ़ा तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए, मॉनसून एंड इंडियन एग्रीकल्चर, और मेरे तरफ से इसको मैं मॉनसून एंड रिवर या इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनसून इसको टाइटल दे सकते हैं, और इसका प्रिसाइड आज क्या होगा, प्रिसाइड चलिए देखते हैं। प्रिसाइड जो होगा द मॉनसून प्लेज इन अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन एग्रीकल्चर, जो इंडियन के एग्रीकल्चर में मॉनसून जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है। इट प्रोवाइड वाटर टू द ड्राई लैंड एंड एड टू द फ्लो ऑफ रिवर इमिनेटिंग फ्रॉम द माउंटेन, जो ये ड्राई एरिया जितने भी होते हैं ड्राई जो सूखे भूमि है वहाँ पानी देते हैं ये मॉनसून, और एंड द फ्लो ऑफ रिवर इमिनेटिंग फ्रॉम द माउंटेन, और माउंटेनों से जो नदी है रिवर को फ्लो करने में इमिटेट करते हैं उन्हें, मतलब कि उनको पानी देकर के उसे ओवरफ्लो करके वहाँ से बहने को मजबूर करते हैं। देयर आर नॉट इनफ रिवर इन इंडिया नॉर दे हैव इनफ वाटर टू इरीगेट आवर लैंड, इंडिया में इतना इनफ रिवर नहीं है जो कि सभी जगह पानी दे सके, ठीक है, और हमारे सभी ये जो लैंड है उसे इरीगेट कर सके, उसे भिगो सके, उसे पानी पहुंचा सके, ठीक है। सो इंडियन एग्रीकल्चर इज लार्जली डिपेंड ऑन मॉनसून, तो इससे ये पता चलता है कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है मॉनसून पर पूरा डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स आज टोटल वर्ड्स हो गया 135 और जो वर्ड इन प्रीसेज है 48, मतलब 1/3, जैसा कि मैंने बताया था प्रीसेज 1/3 में होता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था इंग्लिश के लिए समाप्त होता है, और कल नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश का पार्ट 3 में हम लोग मिलते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल एक इंडिया को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का क्वेश्चन ला रहा हूँ फ्रेंड्स, और किस तरह से होगा ये आप देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा, मैं फिर से कहता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, एंड थैंक यू एंड बाय बाय।